हाय बच्चों, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द नेकलेस। पार्ट वन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखा, मतिल्डा ने कैसे उसके फ्रेंड का नेकलेस खो दिया है कि नहीं, लालच में। उसको ड्रेस चाहिए था, हर हस्बैंड बॉट अ ड्रेस फॉर हर, हर हस्बैंड डिड व्हाट ही वाज सेविंग फॉर अ गन फॉर हिमसेल्फ दैट ही गेव इट टू हर, है ना। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी वॉन्टेड ज्वेलरी। हाँ, ड्रेस तो मिल गया, लेकिन अभी उसको तो एकदम ही शाइन करना था पार्टी में, तो उसको अभी ज्वेलरी भी चाहिए था, वो तो उसके पास था नहीं। तो फाइनली वो उसी दोस्त के घर गई जिसको वो अवॉइड करती थी जाने के लिए, मतलब मीट करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत अफसोस होता था। उधर गई तो उसकी दोस्त ने उसको दे भी दिया ड्रेस है, नेकलेस है कि नहीं, डायमंड नेकलेस। अभी वो डायमंड नेकलेस पहन के शी शाइंड एट द पार्टी, शी हैड फन एंड इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ हर लाइफ। एवरीबडी एडमायर्ड हर, सब लोग एकदम ही उसको देख के पागल हो गए हैं कि नहीं। तब हो गया जब घर में वापस आए तो देखा कि नेकलेस ही गायब हो गया। माय गुडनेस, मैं तो वो सिचुएशन सोच के अगर मेरे साथ होता तो मैं तो पागल हो जाती थी। मैं कहाँ से अभी डायमंड नेकलेस, हाउ आई कांट अफोर्ड, है ना। हम जैसे लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं क्या डायमंड नेकलेस ऐसा बड़ा सा पहनने के लिए? एक डायमंड खरीदने के लिए हम हज़ार बार सोचते हैं। तो अभी पार्ट टू में देखते हैं क्या हुआ उसके आगे। दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ अ ड्रेस। हाँ, जब अभी हस्बैंड बोला बाप रे क्या हो गया, तो अभी उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ अ ड्रेस, फोल्ड्स ऑफ अ ड्रेस मतलब जहाँ जहाँ ड्रेस मुड़ता है ना, जहाँ फोल्ड होता है वो सब जगह। इन द फोल्ड्स ऑफ अ क्लोक, इन अ पॉकेट्स, एवरीवेयर, बट दे कुड नॉट फाइंड इट। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। यस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। यस, दैट्स प्रॉब्ली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? नो। ठीक है, क्या हो गया, उन्होंने पूरा ढूंढा उसके कपड़े में, इधर उधर सब देखा, उसके पर्स में, सब जगह, जहाँ जा पॉकेट में, सब जगह। फिर उसने पूछा, तुमको पक्का है कि जब तुमने हॉल को, व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, मतलब जब तुम पार्टी छोड़ के जा रही थी तब था तुम्हारे पास? बोला हाँ, मैंने मिनिस्ट्री में के हॉल में टच भी किया था उसको। तो उसने बोला, अगर तुमने अगर रास्ते में खोया होता तो उसका गिरने का आवाज़ तो आता था, ऐसे तो नहीं कैब में रह गया है? तो पूछा, हाँ हो सकता है, कैब का नंबर लिया क्या? नहीं। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टंड, मतलब एकदम ही, मतलब शॉक होके, स्टंड मतलब शॉक होके एक दूसरे को देख रहे थे वो लोग। एट लास्ट लोइसल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन, बेचारा इतना थक के पार्टी से आया था, उसने फिर से कपड़े पहने, बोले आई एम गोइंग बैक, ही सेड, ओवर द होल राउट वी वॉक्ड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। उसने बोला जो पूरा राउट, मतलब जो रास्ते से वो लोग आए थे वो सेम राउट, उसमें मैं जाके देखता हूँ कहीं गिरा होगा तो मुझे शायद मिल जाए। बहुत ही परेशान था वो। ही लेफ्ट, वो निकल गया। शी रिमेन्ड इन अ बॉल ड्रेस ऑल नाइट, इतना उसने खर्चा करके जो कपड़े पहने, अभी उसी में पूरे रात उसी में बैठी हुई थी। हर माइंड ब्लैंक, ब्लैंक मतलब दिमाग में कुछ सोचने को ही नहीं हो रहा था उसको। हर हस्बैंड रिटर्न्ड एट अबाउट 7 o'clock, ही हैड फाउंड नथिंग। सुबह 7 बजे आए, कुछ नहीं मिला। फिर वो कहाँ कहाँ गया? ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर्स, टू ऑफर अ रिवॉर्ड, टू द कैब कंपनीज, एवरीवेयर द टाइनियस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेट हिम। जहां भी उसको कुछ उम्मीद की रेखा दिख रही थी, ग्लिमर मतलब हल्का सा, कोई भी ऐसा लग रहा था होप का, कोई भी उम्मीद है मिल सकता है, तो वो उधर जाके पूछ रहा था। हाँ, इसने रिवॉर्ड भी ऑफर किया, मतलब मैं तुमको कुछ रिवॉर्ड दूंगा अगर तुमको मिल जाए तो। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, फ्राइटफुल इतना भयानक जो ये लफड़ा हो गया उसके ऊपर, वो पूरा दिन रुकी थी। इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स डिड लॉइसल मेक टू फाइंड द नेकलेस, क्या क्या लॉइसल ने किया उसके हस्बैंड ने नेकलेस पता करने ढूंढने के लिए? ही वॉक बैक द होल वे टू द पार्टी वेन्यू टू सर्च, ही वेंट टू द पुलिस, ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड इन द पेपर, ही वेंट टू द कैब कंपनीज। ओके, व्हाट, फिर शी वेटेड ऑल डे, ठीक है। देन लॉइसल रिटर्न इन द इवनिंग, अ होलो पेल फिगर ही हैड फाउंड नथिंग। लॉइसल शाम को वापिस आया, अ होलो पेल फिगर। इधर पूछा है वॉट इज इम्प्लाइड इन अ होलो पेल फिगर, अ पर्सन हु हैज जस्ट रियलाइज दैट ही इज लॉस्ट अ लॉट। एक आदमी जिसने अभी जस्ट, उसको अभी समझ में आ गया कि उसने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया, मतलब उसके अंदर, होलो मतलब खोखला, पेल मतलब जो हमारे, हम जब खुश रहते तो हमारे चेहरे में खून से लाल लाल रहता है ना, तो जब हम डर जाते तो कैसा होता है, पूरा कलर फेस से निकल जाता है, वो तो हम पेल दिखने लगते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो होलो एंड पेल मतलब वो एकदम ना, उसको अभी जस्ट रियलाइज हुआ कि यार मेरा तो सूरज पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा।
You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. उसने क्या बोला, तुम एक काम करो, तुम ना अपनी दोस्त को बोलो कि तुमने उसका जो क्लास्प, मतलब जो जिससे वो नेकलेस गले में पीछे बांधते हैं ना, वो टूट गया है, तो तुम उसको रिपेयर करने के लिए दी हो. इट विल गिव अस सम टाइम टू, तो उससे हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ढूंढने के लिए. तो उसने जैसे बोला, उसने लिखा, शी रोट एज ही डिक्टेटेड. डिक्टेटेड मतलब वो बोल रहा था और ये लिख रही थी. एट द एंड ऑफ वन वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक हफ्ता पूरा हो गया, उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी. एंड लॉइसल who suddenly looked aged, declared, we must consider how to replace the jewels. एक हफ्ते के बाद जब उन लोगों का पूरा उम्मीद गया, तो लॉइसल को देखने से लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो गया, इतना परेशान हो गया था वो. तो उसने क्या बोला, अभी हमको सोचना पड़ेगा कि हम ये जुअल वापिस कैसे दें. एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सिक एंड ग्रीफ एंड एंग्विश विद सी ग्रीफ एंड एंग्विश. तो फिर वो लोग क्या किए, ज्वेलर्स के पास जाने लगे, जो अपने सोनार रहते हैं ना, उनके पास जाने लगे. किस लिए? ढूंढने के लिए ऐसा एक नेकलेस जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है. फिर कैसे अपना कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, मतलब याद करके सोच रहे थे कैसा दिख रहा था नेकलेस, ऐसा कोई नेकलेस सेम मिल जाए. और बोथ वेर सिक एंड सिक विथ ग्रीफ एंड एंग्विश. सिक मतलब दोनों ऐसे बीमार जैसे हो गए थे, दुख से और मेंटल टेंशन से. ठीक है, इन अ शॉप एट द पलेस रॉयल, एक शॉप था पलेस रॉयल, दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वर लुकिंग फॉर. फाइनली उनको एक दुकान में मिला एक डायमंड का एक नेकलेस जो बिल्कुल वैसी लग रहा था जैसे उसने खोया था. इट वॉज वर्थ 40,000 francs. दे कुड हैव इट फॉर 36,000. अभी वो कितने का था, 40,000 franc. उसके लालच ने देखो क्या कर दिया, अभी उनको 40,000 franc का एक नेकलेस खरीद के उसको रिटर्न करना पड़ेगा. और वो दुकानदार ने बोला 40 का है, मैं तुमको 36,000 में दे दूंगा. ओके, आप अज्यूम करिए 4 लाख होगा और वो आपको 40 लाख और ये आपको 3,60,000, मतलब बहुत ही महंगा. 40 लाख पकड़ो, मैं डायमंड्स का इतना बड़ा नेकलेस होगा तो बहुत महंगा भी होगा, है कि नहीं. सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 डेज. तो उन्होंने ज्वेलर को भी बोला कि 3 दिन के लिए आप इसको बेचो मत. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. तो अभी इनको पैसा अरेंज करना था ना, तो उन्होंने क्या बोला ज्वेलर को, ज्वेलर जी प्लीज आप ये 3 दिन के लिए बेचो मत. और उन्होंने ये भी सौदा किया, क्या सौदा किया कि अगर उनको पुराना नेकलेस मिल गया तो ये जो नेकलेस अभी इनसे खरीद रहे 36,000 के लिए, वो इनको वापस दे के 34,000 के लिए 34,000 वो रिटर्न कर देगा ज्वेलर, 2,000 का नुकसान होगा. कब, फरवरी के लास्ट तक डेडलाइन था. तो व्हाट वाज द अरेंजमेंट द ज्वेलर विद द ज्वेलर, ज्वेलर के साथ क्या अरेंजमेंट था, डू यू थिंक इट वाज फेयर. ज्वेलर के साथ अरेंजमेंट था कि इफ दे फाउंड द नेकलेस बिफोर द एंड ऑफ फरवरी, द ज्वेलर वुड टेक बैक द नेकलेस फॉर 34,000 francs. डू यू थिंक इट वॉज फेयर, मतलब तुमको क्या लगता है ये अच्छा सौदा था. यस इट वॉज फेयर एज इट वुड अलाउ देम टू गेट बैक मोस्ट ऑफ देयर मनी, है ना. कम से कम से 2,000 का नुकसान हुआ, 36,000 का तो नहीं ना मिल गया. तो लॉइसल एट 18,000 francs विच इज फादर एट लेफ्ट हिम ही वुड बोरो द रेस्ट. उसके डैडी ने, लॉइसल के पापा ने उसको 18,000 francs उसको प्रॉपर्टी उसका शेयर दिया था, तो उसको बाकी बोरो करना पड़ेगा. बोरो यानी कि किसी और से उधारी लेना पड़ेगा. एंड ही डिड बोरो, उसने बोरो किया. ही गेव नोट्स, मेड रूइनस एग्रीमेंट्स, डेल्ट विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर. उसने क्या किया, नोट्स बना के दिए, फिर एग्रीमेंट्स बनाए जो उसके लिए बहुत ही नुकसान वाले एग्रीमेंट बनाए, मतलब यार तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को 10% और डाल के दूंगा, लेकिन मुझे कैसे, मतलब अपने आप को नुकसान करके भी उसने पैसा उधार लिया है. और हर टाइप के मनी लेंडर जो उधारी देते ना, उनके हर टाइप के उधारी वाले से उसने जाके पूछा. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. जब उसके 36,000 francs आ गए तो फिर वो ज्वेलर के पास गया और उसने उसके पास रखा उसको. When Madam Loisel took the necklace back, Madam Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." जब मैडम लॉइसल ना अपनी मथिल्डा गई ना वापस इनके पास नेकलेस रिटर्न करने के लिए, तो फॉरेस्टियर मैडम ने क्या बोला, एकदम कोल्डली, मतलब एकदम ना अकड़ के ना, एकदम प्यार से नहीं बोला, बोला था तुमको थोड़ा जल्दी लाके देना चाहिए था, मुझे भी तो जरूरत लगता था ना
मतलब वो तो बड़े घर की थी, वो तो पार्टी तो बहुत जाती होगी, तो उसको भी वो डायमंड नेकलेस पसंद था। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया, उसने बोला थोड़ा जल्दी ला के देना। होता ही है, हमें भी गुस्सा आता है जब कोई हमारी चीज़ें लेके जाता है और टाइम से रिटर्न नहीं करता है कि नहीं। फ्रॉम देन ऑन वाई डिड मैडम फॉरेस्टियर स्पीक कोल्डली टू मथिल्डा, बिकॉज शी वॉन्टेड द शी मे हैव वॉन्टेड टू यूज द डायमंड नेकलेस फॉर हर सेल्फ, ओके, एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस मैडम लॉयसल हैड टेकन द नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉयसल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली। द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, शी वुड पे इट। दे डिसमिस देयर मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। अभी क्या हो गया, उस दिन के बाद मथिल्डा यानी कि मैडम लॉयसल को गरीबी की असली चख लग गई। क्यों? क्योंकि उसको अभी पैसा पूरा कैसे तो रिटर्न करना था, डेट, द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड। ड्रेडफुल मतलब कितना कर्जा हो गया उनके ऊपर, अभी वो कैसे भी तो वापस देना है। लेकिन उसने एक अच्छी बात है, शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, उसने अपना जो अभी अपना जो रोल था वो बहुत ही हिम्मत के साथ किया। क्या किया उसने, शी डिसाइडेड दैट शी वुड पेड, उसने डिसाइड किया, उसकी गलती से हुआ ना, शी डिसाइडेड नहीं कोई भी हालत में मैं इसको पे करूंगी। तो उन्होंने अपने जो घर में जो उनके मेड आती थी घर में हेल्प करने के लिए उसको निकाल दिया, अपना घर बदल दिया और क्या किया, एक छोटे से रूम में, एक छत के नीचे एक छोटे से रूम में अपना घर रेंट पे ले लिया, एक छोटा सा जहां पर रेंट कम होगा। शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क, द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, शी वॉश द डिशेज, द डर्टी लिनन, शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड कैरीड अप द वॉटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर। She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable soul. अभी देखो जो वो आराम की जिंदगी जी रही थी वो इधर पूरा बदल गया। अभी उसको पता चला घर में जो काम होता है कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, किचन में कितना मेहनत करना पड़ता है, हाँ बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, कचरा फेंकना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, हाँ पानी लेके आती थी नीचे से और हर एक स्टेप के बाद हर एक स्टेप चढ़ने के बाद एक बार रुक के सांस पकड़ती थी, फिर कपड़े एकदम सादे पहनने लगी, फिर मार्केट में जाके सौदा करने लगी, हाँ सौदा इतना 10 रुपये का भैया 2-5 रुपये में दे दो, ऐसा क्वारल मतलब झगड़ा करने लगी किसके लिए, एक एक जैसे हमारे यहाँ रुपी बोलते हैं उधर 100 बोलते हैं, तो एक एक पैसे के लिए वो उसको झगड़ा भी करना पड़ा। तो अभी उसको समझ में आया कि क्या होता है जिंदगी एक्चुअली, व्हाट इज मेंट बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, ये है इस पैराग्राफ में इसका आंसर है। व्हाट इज मेंट बाय द हॉरिबल लाइफ, ऐसे नहीं कि गरीबों का जिंदगी खराब होता है, ऐसा नहीं, मतलब उनको कितना मेहनत करना पड़ता है वो इस पैराग्राफ में आपको पता चलेगा क्या क्या करते हैं। हमारे घर में भी कई लोग, हम लोग हमारे घर में भी हमारे माँ बाप ने सबने बहुत तकलीफ से ही आगे बढ़े, तो हमें कभी ये इनको ऐसा कम नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, नहीं हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करके घर में रहना चाहिए ना। तो इसने क्या किया, अभी ये तकलीफ में आ गई तो सोचा अभी मुझे तकलीफ से निकलना है, तो फिर वो मेहनत करने लगी। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीने उसको कुछ ना कुछ कर्जा चुकाना पड़ता था, रिन्यू अदर्स दूसरे रिन्यू करने पड़ते थे, क्योंकि एक लोन पे किया तो दूसरी जगह से लोन लेके ये वाला लोन पे करना है, बाप रे ये लोन का चक्कर बहुत ही बेकार होता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखो लाइफ में जितना है उतने में खुश रहो, कभी भी किसी और से पैसा लेके अच्छी जिंदगी जीने का कोशिश मत करो। अच्छी जिंदगी तभी जियो अपने खुद के पैसे कमाए हुए बचाए हुए पैसे से अच्छी जिंदगी जियो, किसी और के कमाए हुए पैसे से अच्छी जिंदगी जीने का कोशिश मत करो। अगर ऐसा कुछ हो गया कि आपको कैसे भी थोड़े से पैसे की जरूरत है, कोई बीमार है या कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं अगर मुझे पार्टी जाना है इसलिए मुझे 500 रुपये चाहिए, अब 500 रुपये का 1000 होगा, 1000 का 2000, मुझे गेम खेलना है वो गेम में जो कॉइन्स है ना वो 10,000 रुपये के हैं, ठीक है मैं मेरे दोस्त से लेता हूँ, बाद में क्या होता है ये सब आदतें कभी ख़त्म नहीं होती और आप बर्बाद हो जाओगे। बच्चों प्लीज़ कभी भी लोन में मत पड़ना, देखो उसको एक लोन पे करने के लिए दूसरे जगह से लोन लेके ये पे करना पड़ता था, तो जब इसका लोन पे करने का टाइम आया तो यहाँ से लोन लेके ये पे करना पड़ता, ये बहुत ही एंडलेस साइकिल है जब तक ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या इसके लिए क्या क्या करना पड़ा, हर हस्बैंड वर्क्ड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सैट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट एट 5 सोर्स अ पेज, क्या क्या एक्स्ट्रा काम करता था, एक ट्रेडमैन के लिए अकाउंटिंग करता था, फिर रात को बैठ के एक आदमी का जो नॉवल लिख रहा होगा कुछ लिख रहा होगा उसका कॉपी बनाता था,
कितने के लिए? 5 पैसे के लिए, उसके 500 मतलब हमारे रुपया पैसे जितना होगा एक पेज के लिए, बहुत ही कम, लेकिन इतना मेहनत करके उसको पैसा जमाना था। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, देखो 10 साल ऐसे निकल गए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग विद इंटरेस्ट, लेकिन इतना मेहनत करके फाइनली, क्योंकि इन लोगों को कैसे भी अपने आप को इस कर्जे से निकालना था, उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा वापस पे किया। मैडम लॉयसल लुक्ड ओल्ड नाउ, अभी मैडम लॉयसल ने इतना मेहनत किया अभी वो भी बुढ़ी दिखने लगी। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, ब्रूडेड मतलब पहले पुराने कैसा जिंदगी था उसके बारे में सोचती थी। वॉट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, अगर उसने वो नेकलेस खोया नहीं आता तो क्या होता था। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, मतलब फिकल मतलब कितना आसानी से चीज़ें बदल जाती है ना, लाइफ कितनी स्ट्रेंज है ना। हाउ लिटल इज नीडेड फॉर वन टू बी रूइंड और सेव्ड, कितनी छोटी सी मामले में पूरे हम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। देखो इसने क्या किया था, एक नेकलेस के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद की, 10 साल बर्बाद हो गए। वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्स एलिसी सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर स्टिल यंग स्टिल ब्यूटिफुल स्टिल चार्मिंग, एक दिन वो कहीं वॉक कर रही थी अपने घर के पास तो उसने किसको देखा, मैडम फॉरेस्टियर जिससे उसने वो नेकलेस लिया था। वो अभी भी जवान लग रही थी, अभी भी सुंदर लग रही थी, अभी भी चार्मिंग लग रही थी। इसका मतलब क्या है, वो इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज इम्प्लाइड बाय द यूज ऑफ द वर्ड स्टिल इन स्टिल यंग स्टिल ब्यूटिफुल स्टिल चार्मिंग, द कॉन्ट्रास्ट इज शोन इन द लग्जूरियस लाइफ ऑफ द रिच एंड द लाइफ ऑफ द पुअर, दो बोथ वेयर द सेम एज द कॉन्ट्रास्ट इन द लुक्स वॉज एविडेंट, वाई बिकॉज मैडम लॉयसल हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू पे हर लोन्स, एंड वॉट मैडम फॉरेस्टियर लिव्ड अ कम्फर्टेबल लाइफ, शी हैड नो लोन्स एंड शी वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली, है कि नहीं। तो ये है, इसलिए वाइल दे वर द सेम एज मैडम लॉयसल लुक्ड ओल्ड बट मैडम फॉरेस्टियर स्टिल लुक्ड यंग ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग। ओके फिर क्या हुआ, मैडम लॉयसल फेल्ट इमोशनल, अभी मैडम लॉयसल ने जब मैडम फॉरेस्टियर को देखा तो उसके मन में मन उभर आया उसका। शुड शी स्पीक टू हर, येस ऑफकोर्स, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। उसने उसको थोड़ा ठुकरा दिया था ना उधर कोल्डली बात करके, तो इसको बहुत दुख भी था, लेकिन उसने सोचा अभी मैं उससे बात करूँ क्या, फिर सोचा जाने तो मैं बात कर लेती हूँ, एनी वे मैंने पूरा लोन तो पे कर ही लिया है और इनको असली स्टोरी भी बता देती हूँ कि क्या हुआ था। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जीन, उसका नाम था जीन, बोला हाई गुड मॉर्निंग जीन। द अदर अस्टॉनिश्ड टू बी एड्रेस सो फेमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन डिड नॉट रिकग्नाइज हर, शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, देखो क्या हो रहा है इधर। ये मैडम लॉयसल मथिल्डा ने अपनी फ्रेंड को पहचान लिया, लेकिन उसकी फ्रेंड ने इसको नहीं पहचाना, क्यों, क्योंकि वो इतनी बदल गई थी, इतनी बदल गई थी कि बहुत उसको पहचान में नहीं आ रही थी, और उसको लगा ये इतनी सादी औरत मेरे को फर्स्ट नाम से, तो ये लोग मैडम मैडम करके एक दूसरे को बुलाते, ये फ्रेंडली नाम से बुला रही है, ये कौन है, वो पहचान ही नहीं पा रही थी उसको। तो उसने बोला मेरे को लगता है मैं नहीं जानती, आपने कोई गलती की होगी। तो उसने बोला नो आई एम मथिल्डे लॉयसल, उसने बोला कि मैं हूँ मथिल्डा लॉयसल। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई, उसकी दोस्त एकदम ही हैरान हो गई, ओह माय पुअर मथिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड, मतलब अरे बाप रे मेरी मथिल्डा क्या तू कैसे बदल गई। तो उसने फिर उसको बोला यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मैनी मिजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, देखो उसने क्या बोला, बोला हाँ मुझे बहुत ही परेशानी सहनी पड़ी और जब से मैंने तुमको लास्ट देखा था और बहुत ही तकलीफ उठाया मैंने और सब तुम्हारी वजह से। मैडम फॉरेस्टर बोली मी हाउ कैन दैट बी, मैंने ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने बोला यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, आपको याद है वो डायमंड नेकलेस जो आपने मुझे लेंड किया था पार्टी में पहनने के लिए। यस वेल हाँ तो वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसको खो दिया था। व्हाट यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, क्या बात कर रहे हो, तू तो वापस लेके आके दी थी मुझे। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, बोला एंड इट हैज टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, इट वॉजंट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल बट एट लास्ट इट इज ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड। उसने क्या बोला, मैंने, इसने बोला नहीं तुमने तो मुझे वापस दिया ना, तो उसने बोला हाँ मैंने तुमको वापस दिया जो बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा था और उसको हमको वापस पे करने के लिए 10 साल लग गए और वो आसान नहीं था, हमारे पास बहुत ही कम था, हमने बहुत तकलीफ में वापस किया, लेकिन थैंक गॉड फाइनली ये सब खत्म हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टंड, मैडम फॉरेस्टियर तो हैरान हो गई। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा वाला रिप्लेस करने के लिए। यस यू डिड नोटिस देन दे वर वेरी सिमिलर, अच्छा हाँ
तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमको ध्यान पता नहीं चला, एकदम ही सेम जैसे लग रहे थे उसको. हाँ, एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेशर. वो इतनी खुश थी कि उसने मतलब ऐसा ज्वेलरी उसको लाके दिया जो उसको पता भी नहीं चला. तो शी वॉज सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ एंड उसको पता नहीं था ना, तो शी वॉज इनोसेंट प्लेशर, मतलब वो बच्चे जैसा एक खुशी ना. मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड टुक बोथ आर हैंड्स. मैडम फॉरेस्टियर ने क्या किया, उसको मन में बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ, मतलब वो हिल गई एकदम. हाँ, उसने उसका दोनों हाथ अपने हाथों में लिया और क्या बोला, ओ माई पुअर मतिल्डा, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट. क्या बोला, अरे मेरी मतिल्डा, मेरा तो नकली था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक का था, ज्यादा से ज्यादा. इधर एक क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मतिल्डास मिसरी. आपको क्या लगता है मतिल्डा के तकलीफ के लिए कौन कौन जिम्मेदार था? वॉज इट हर फ्रेंड, शी हर सेल्फ, हर हजबेंड और द सर्कमस्टांसेस? मतिल्डा वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन मिजरी. शी वॉज ग्रीडी फॉर मनी एंड अ लाइफ स्टाइल दैट हर हजबेंड कुड नॉट अफोर्ड. ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर स्टोरी था. इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे पास जितना है उसमें हमको कंटेंट, वी हैव टू बी हैप्पी सेटिस्फाइड, जो है सो है. हमारे मम्मी डैडी के पास सिर्फ बाइक है तो सिर्फ बाइक ही चलेगा, लेकिन हम किसी से बोरो करके नहीं जिएंगे. किसी और के पैसे से हमें जीना चाहिए क्या? नहीं ना. कभी कभी ऐसी चीज की लालच है हमको मतिल्डा जैसे सिचुएशन में ले आती है, ऐसे कभी हमारे साथ ना हो. ठीक है बच्चों, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड. आप मेरे को ज़्यादा सुंदर लगना है, मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे बहुत सुंदर कपड़े चाहिए, नहीं, ये सब हमारे लिए ज़रूरत नहीं है. अभी हमारा मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए, पढ़ लिख के कुछ करना, और बाद में जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर आप अपने लिए जो चीज़ें आपको पसंद है खरीद लेना, है कि नहीं? ओके, देन सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द इंग्लिश वर्कशॉप फॉर दिस लेसन. ओके, टेक केयर, बाय.